हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पासिंग आर्गुमेंट्स टू ए फंक्शन कि किसी भी फंक्शन में हम आर्गुमेंट्स कैसे पास करते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। सो नाउ वी स्टार्ट विद पासिंग आर्गुमेंट्स टू ए फंक्शन। पासिंग आर्गुमेंट्स टू ए फंक्शन, इसमें क्या होगा? व्हेन अ सिंगल वैल्यू इज पास टू ए फंक्शन वाया एन एक्चुअल आर्गुमेंट, द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल आर्गुमेंट इज कॉपीड इनटू द फंक्शन। ठीक है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द करस्पॉन्डिंग फॉर्मल आर्गुमेंट कैन बी अल्टर्ड विद इन द फंक्शन, बट द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल आर्गुमेंट विद इन द कॉलिंग रूटीन विल नॉट चेंज। ठीक है, तो इसको कहते हैं पासिंग आर्गुमेंट्स टू ए फंक्शन। मतलब क्या हुआ कि जब हम एक सिंगल वैल्यू को हम पास करते हैं किसी फंक्शन को, फंक्शन में वाया एन एक्चुअल आर्गुमेंट, द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल आर्गुमेंट इज कॉपीड इनटू द फंक्शन, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द करस्पॉन्डिंग फॉर्मल आर्गुमेंट कैन बी अल्टर्ड विद इन द फंक्शन, बट द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल आर्गुमेंट विद इन द कॉलिंग रूटीन विल नॉट चेंज। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको हम एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। मान लीजिए हमने कोई एग्जाम्पल ली, ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें हमें ये करना है कि ए फंक्शन दैट एल्टर्स द वैल्यू ऑफ इट्स आर्गुमेंट। ठीक है, इसका हम आपको एग्जाम्पल लेके बताते हैं। मान लीजिए हमने फंक्शन लिखा, से प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं, इंक्लूड stdio.h। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया एक फंक्शन void main या void, और फंक्शन का नाम हमने लिखा modify, और इसका हमने आर्गुमेंट दे दिया इंटीजर ए। ये हमने डिक्लेयर कर दिया एक तरह से, ये हमने फंक्शन प्रोटोटाइप यहां पे डिक्लेयर कर दिया, फंक्शन प्रोटोटाइप। सॉरी, अब इसमें क्या होगा, इस केस में जब आपने फंक्शन प्रोटोटाइप यहां पे डिक्लेयर कर दिया, अब हम शुरू करते हैं मेन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिखा इंटीजर ए इक्वल टू टू, फिर हमने दिया प्रिंट एफ स्लैश एन ए इक्वल टू, यहाँ हमने दे दिया परसेंटेज डी, और ए की वैल्यू कहाँ से उठानी है, हमने यहाँ लिखा फ्रॉम मेन बिफोर कॉलिंग द फंक्शन, बिफोर कॉलिंग द फंक्शन, ये हमने प्रिंट एफ कराया, ब्रैकेट लगा दिया, ये कर दिया, कॉमा ए दे दिया। अब इसमें क्या होगा कि जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे ए इक्वल टू ये वैल्यू आएगी, यानी ये वैल्यू, और ये वैल्यू क्या है, फ्रॉम मेन बिफोर कॉलिंग द फंक्शन। ठीक है, मतलब फंक्शन को कॉल करने से पहले ए की जो वैल्यू होगी वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। अब उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया मॉडिफाई, देखिए हमने ऊपर ये इस फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, हमने कहा मॉडिफाई, और किस वैल्यू के लिए कॉल किया, ए के लिए। ठीक, और कॉल करने के बाद हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ, फिर हमने स्लैश एन दे दिया, एक और स्लैश एन दे दिया ताकि दो लाइन का स्पेस आ जाए, फिर हमने लिखा ए इक्वल टू परसेंटेज डी, और हमने लिखा फ्रॉम मेन आफ्टर कॉलिंग द
अब यहां पे जो ए की वैल्यू प्रिंट होगी वो फंक्शन को कॉल करने के बाद जो आई है वो होगी। ठीक, अब ये जो मॉडिफाई फंक्शन है इसकी आप यहाँ पे बॉडी डिक्लेयर कर दीजिए कि क्या हो रहा है फंक्शन में। हमने लिखा void, void यहाँ लगाने मतलब ये कि फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो void यहाँ लिखा हमने मॉडिफाई इंटीजर ए, ये फंक्शन की बॉडी शुरू हुई। यहाँ हमने लिख दिया ए इंटू इक्वल टू 3। ठीक है, और फिर हमने यहाँ प्रिंट एफ करा दिया, प्रिंट एफ स्लैश एन ए इक्वल टू परसेंटेज डी। यहाँ हमने लिख दिया फ्रॉम द फंक्शन आफ्टर बीइंग मॉडिफाइड, After being modified, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कोस क्लोज कॉमा ए। ठीक है, अब देखिए जब क्या होगा कि ये फंक्शन जब हम कॉल होगा तो यहाँ हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ वर्ड लिखा था, क्योंकि यहाँ डाटा टाइप वैसे तो डाटा टाइप होता है, वो डाटा टाइप यहाँ पे होता है जो जिस तरह की डाटा को फंक्शन रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं कर रहा तो हमने केवल एम्प्टी रिटर्न स्टेटमेंट दे दिया, रिटर्न और एंड कर दिया। ठीक, अब देखिए जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो लाइन बाय लाइन आप इसको देखिए तो आपके स्क्रीन पे क्या आएगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए कितना है, ओरिजिनल वैल्यू है ए की 2 इज डिस्प्लेड व्हेन मेन बिगिंस एग्जीक्यूशन। ठीक है, जब मेन एग्जीक्यूशन शुरू करेगा तो जो ओरिजिनल वैल्यू है ए इक्वल टू 2 वो डिस्प्ले होगी। दिस वैल्यू इज देन पास टू द फंक्शन मॉडिफाई, इस वैल्यू को फिर 2 को पास किया फंक्शन मॉडिफाई में, वेयर इट इज मल्टीप्लाइड बाय 3, वहां पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ और नई वैल्यू डिस्प्ले हो गई। तो 3 से मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा 6, तो फिर 6 डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसमें क्या हुआ कि नोट दैट इट इज द अल्टर्ड वैल्यू ऑफ द फॉर्मल आर्गुमेंट दैट इज डिस्प्लेड विद इन द फंक्शन, फाइनली द वैल्यू ऑफ ए विद इन मेन इज अगेन डिस्प्लेड आफ्टर कंट्रोल इज ट्रांसफर बैक टू मेन। यानी कि देखिए अब इसमें क्या होगा, ये तो समझाने के लिए आपको बोला है, जो प्रिंट आउट आए जो आपका सॉरी डिस्प्ले आएगा वो देखिए पहली लाइन तो ये डिस्प्ले करेगा ए इक्वल टू 2 और आगे हमने क्या दिया था फ्रॉम मेन बिफोर कॉलिंग द फंक्शन। ठीक, ये लाइन आएगी स्क्रीन पे, फिर स्लैश एन स्लैश एन हमने 2 बार दिया मतलब 2 लाइन छोड़ के, फिर ए इक्वल टू 6 डिस्प्ले होगा, यहां बोलेगा फ्रॉम द फंक्शन और आफ्टर बीइंग मॉडिफाइड, After being modified ये आएगा, और फिर वापस जाके जब वो लाइन प्रिंट होगी तो आएगा a इक्वल टू फिर से 2 आएगा। अभी आपको वापस प्रोग्राम में जाके बताते हैं कि फ्रॉम मेन आफ्टर कॉलिंग द, यही चीज हम आपको पासिंग आर्गुमेंट्स टू फंक्शन के शुरू में आपको बता रहे थे, आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन। ठीक, ये आउटपुट आपको आएगा, दीज 3 लाइन विल बी डिस्प्लेड ऑन योर मॉनिटर। तो इससे ये पता चलता है देखिए कि दिस रिजल्ट शोज दैट ए इज नॉट अल्टर्ड विद इन मेन। देखिए मेन के अंदर जब आप डिस्प्ले कर रहे हैं तो ए अभी भी 2 रह रहा है, अभी भी 2 रह रहा है, लेकिन फंक्शन के अंदर जाने पे ए चेंज हो जा रहा है, यही चीज हम आपको कह रहे थे। इसके कुछ एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी, आपको फिर से हम प्रोग्राम पर ले जाके समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इसको हम किसी डिफरेंट उससे समझाते हैं से इस कलर से। ठीक, देखिए ये तो हमने फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया कि ये फंक्शन हम यूज करेंगे आगे। ठीक है, अब आ जाइए मेन में, मेन में हमने क्या किया, इंटीजर ए इक्वल टू 2 डिक्लेयर कर दिया, इनिशलाइज कर दिया।
अब ये पहली लाइन जब प्रिंट होगी तो ए की वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम मेन बिफोर कॉलिंग द फंक्शन, यहाँ पे टू है, यहाँ पे ए इक्वल टू टू प्रिंट हो जाएगा। ठीक, अब हमने मॉडिफाई फंक्शन को कॉल किया ए के लिए, तो ए की वैल्यू जो टू है वो यहां से प्रोग्राम का कंट्रोल पहुंचेगा यहां पे, और ए में क्या आ जाएगा, टू। ठीक, अब इसके बाद ये यहां पे हमने देखिए वो भूल गए हम, क्या कहते हैं उसको, सेमी कॉलन। ठीक, ये स्टेटमेंट एंड करने के लिए। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा कि टू आ गया यहाँ पे, ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हुआ तो ए में कितना हो गया, 3 × 2, 3 × 2 = 6 आ गया। ठीक, अब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ए इक्वल टू अभी क्या है, 6 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ए इक्वल टू 6। अब उसके बाद रिटर्न, तो रिटर्न के बाद जब वापस प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ पहुंचेगा, इस मॉडिफाई के बाद यहाँ पे। ठीक, अब देखिए जो ये ए की वैल्यू 6 आई है, आपने यहाँ रिटर्न ए तो किया नहीं है ना, यहाँ पे किसी वेरिएबल में इसको कॉल किया है, तो ये तो 6 रहेगा जब, लेकिन जब प्रोग्राम का रिटर्न वापस जाएगा कंट्रोल और यहाँ पे फिर वो बोलेगा ए को प्रिंट करिए, तो ये 6 अपने आप तो ट्रांसफर होगा नहीं अनटिल अनलेस आपने यहाँ से रिटर्न ना किया हो और यहाँ पे किसी वेरिएबल में एक्सेप्ट ना किया हो, इसलिए जब दोबारा भी ये बोलेगा ए को प्रिंट करो तो जो ए था वही यहाँ पे प्रिंट होगा। यही चीज आपको बतानी थी, यही चीज फिर आपको शुरू में बता भी रहे थे कि व्हेन अ सिंगल वैल्यू इज पास टू ए फंक्शन वाया एन एक्चुअल आर्गुमेंट, द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल आर्गुमेंट इज कॉपीड इनटू द फंक्शन, यानी ये टू की वैल्यू कॉपी हो गई यहाँ पे। ठीक, अब क्या कह रहा है, द वैल्यू इज कॉपी, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द करस्पॉन्डिंग फॉर्मल आर्गुमेंट कैन बी अल्टर्ड। अब ये जो फॉर्मल आर्गुमेंट की जो कॉपी है, ये जो टू आया है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, ये 6 हो गया। ठीक, दिस कैन बी अल्टर्ड विद इन द फंक्शन, तो फंक्शन के अंदर आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल आर्गुमेंट विद इन द कॉलिंग रूटीन विल नॉट चेंज। लेकिन ये जो ए टू था वो देखिए यहाँ पे भी टू ही रहा और यहाँ पे भी टू ही रहा, तो यही चीज हम आपको कह रहे थे कि विद इन द फंक्शन आप उस वैल्यू के साथ कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन कॉलिंग प्रोग्राम में वो वैल्यू वही रहेगी जो शुरू में था। ठीक, अब इस देखिए इस तरह के जो पासिंग आर्गुमेंट्स हैं इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, एडवांटेज की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो फायदा है वो ये है, इस तरह से पासिंग करने के एडवांटेज। इट अलाउज अ सिंगल वैल्यूड एक्चुअल आर्गुमेंट टू बी रिटेन एज एन एक्सप्रेशन रादर देन बीइंग रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल वेरिएबल। मोर ओवर, इफ द एक्चुअल आर्गुमेंट इज एक्सप्रेस सिंपली एज अ सिंगल वेरिएबल, इट प्रोटेक्ट्स द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल फ्रॉम अल्टरेशन विद इन द फंक्शन। तो ये तो फायदा हो गया कि इसको एक सिंगल वैल्यू की तरह आप डिफाइन कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेशन, और दूसरी चीज इसको आप चेंज अल्टरिंग से बचा सकते हैं मेन के अंदर रखने पे। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि इट डज नॉट अलाउ इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसफर्ड बैक टू द कॉलिंग पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम वाया आर्गुमेंट। मतलब जैसे ए को आपने मल्टीप्लाई करके 6 किया था तो उस 6 को आप वापस कॉलिंग प्रोग्राम में नहीं ले जा सकते, तो इसीलिए पासिंग बाई वैल्यू इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा कि पासिंग, ये जो अभी इस आज हमने पढ़ा है कि जो पासिंग बाई वैल्यू है, वैल्यू इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये चीज आपको पासिंग बाई वैल्यू में आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन अलाउ करता है, मतलब कॉलिंग प्रोग्राम से कॉलिंग प्रोग्राम, ऐसे समझ लीजिए आप, से आप फंक्शन में तो वैल्यू भेज सकते हैं,
लेकिन यहां से यहां ये नहीं अलाउ है, या ऐसे समझ लीजिए कि मेन फंक्शन में से, और यहाँ वाले जो कोई F1 यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो इससे तो आप यहाँ भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं अलाउ है। तो यही दिस इज कॉल्ड पासिंग आर्गुमेंट्स टू ए फंक्शन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं नहीं क्लियर हो रहा है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि देखिए प्रोग्रामिंग एक बार अच्छी तरह सीख लेंगे तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रोग्रामिंग इज सिंपली सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर आपने क्लियर कर लिया, जैसे मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स सवाल आपने एक बार लगा लिए, फंडे क्लियर हो गए, तो आप उसको कभी नहीं भूलते। ऐसे ही प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाएंगे तो फिर आप कभी प्रोग्रामिंग भूलने का कोई सवाल ही नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।